नहीं, आज तो क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, और मैं यहाँ से वर्तमान में विधायक भी हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि यहाँ पे जो हमारे पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए हम कार्य करें। इसके लिए हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आज यहाँ बुलाया है, और भी जहाँ पार्टी कहेगी वहाँ पे हम जाएंगे, पार्टी के लिए पूरे मजबूती से कार्य करेंगे। मगर क्योंकि मैं खुद भी कैंडिडेट हूँ, इसलिए प्राथमिकता मेरी जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र है, और मैंने अभी तक लगभग 17 में से 14 विधानसभा हलकों का दौरा कर लिया है। अगले कल भी मेरा मुख्यमंत्री जी के साथ कुल्लू सदर का और आनी का दौरा है, और वहाँ पे बड़ी जनसभाओं को संबोधित मुख्यमंत्री जी करेंगे। और हमने जो विकास कार्य वहाँ पे किए हैं, और खास करके आपदा के समय में जो हम दिन रात वहाँ के लोगों के साथ खड़े रहे, क्योंकि आपने देखा कि आनी में एक बहुत बड़ा डेवेस्टेशन हुआ था, पूरे देश की मीडिया ने उस समय देखा कि पूरी की पूरी मार्केट जो है वो एक लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स जो है वो नीचे नीचे गिर गई थी। तो वहाँ पे हम उनके साथ रेस्क्यू मिशन में ऑपरेशन में उपस्थित रहे, और हर सहयोग सरकार की ओर से दिया गया। वैसे ही कुल्लू में भी जो डिजास्टर हुआ, हम दिन रात वहाँ लोगों के साथ खड़े रहे, तो ये चीज़ हम लोगों को बताएंगे। बाकी और भी जो विकास कार्य सरकार कर रही है उसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। 1500 जो हमारी पेंशन महिला सम्मान निधि है वो बिल्कुल साफ है कि उसको हमने जारी करना शुरू कर दिया है। उसके लिए फॉर्म हर जगह पे भरवाए जा रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी अनुमति हमको दे दी है, और 6 जून को ये ऑफिशियली सभी प्रदेश के हर इलाके में शुरू हो जाएगी। अभी जनजातीय क्षेत्र में मिल रही है, और उसमें अप्रैल और मई का महीने का भी 1500-1500 मिलाकर यानी 3000 रुपये वो हर महिला के खाते में आने शुरू हो जाएंगे। तो हम प्रदेश के हर वर्ग के लिए कार्य कर रहे हैं, मजबूती से कर रहे हैं। पहले भी हमने कार्य किए हैं, विकास कार्यों को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, और मंडी संसदीय क्षेत्र का जो हमारा विजन है उसको मैं